न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सावधान, ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आप भी शायद अपने घर में रखे जेबरात के सफाई के नाम पर इन सातिरों के शिकार हो सकते हैं। खासकर घरेलू महिलाओं को इस खबर को ध्यान से देखना चाहिए कि कटिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा ये दोनों सातीर बर्तन और जेवरात सफाई करने के नाम पर लोगों को कैसे चूना लगाता था। अगर आप इस खबर को ध्यान से नहीं समझेंगे तो हो सकता है इस गिरोह के अन्य सदस्यों का शिकार आप भी हो सकते हैं। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के लाल कोठी मोहल्ला पब्लिक के हत्थे चढ़ा अरविंद सिंह और बबलू शाह। पब्लिक के भीड़ में थप्पड़ टॉर्चर से नवाजे जा रहे हैं इन दोनों के करतूत को आप सुनिएगा तो सन रह जाइएगा। यह दोनों अपना परिचय भागलपुर जिला के रहने वाले के रूप में दे रहा है और दोनों मोटरसाइकिल से बर्तन साफ करने वाला पाउडर बेचने के लिए कटिहार आता था, मगर आज इस दोनों के बर्तन और जेबरात साफ करने के नाम पर सोना चांदी के जेबरात उड़ा ले जाने का पूरा खेल का खुलासा हो गया है। दरअसल यह दोनों शख्स कुछ दिन पहले ही इसी इलाके में सोना चांदी सफाई करने के नाम पर महिला की जेबरात लेकर रफू चक्कर हो गया था। उस वक्त लोगों को कुछ हाथ नहीं लगा था, मगर इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान हो गई थी और लोगों ने इसकी सूचना और फोटो नगर थाना में भी दे कर रखा था। आज जब एक बार फिर यह दोनों इसी इलाके के आसपास अपनी करतूत को अंजाम देने आया था तो लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। पहले तो जमकर खातिरदारी हुई और फिर लोगों के सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के हत्थे चढ़ाए दोनों सातिर अपने बयानों से अपराध के इस तरीके के बारे में लोगों को भ्रमित करते हुए घुमा फिरा कर बात तो कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बयान से एक बात तो साफ हो जाता है कि यह लोग सोना चांदी की जेबरात में चमक बिखेरने के नाम पर लोगों को पिछले कई महीनों से कटिहार में चूना लगा रहा था, जिसका खुलासा अब हो गया है और यह लोग कानून के हत्थे चढ़ गया है। जिस महिला के साथ पहले यह घटना हुई थी वह लोग भी अब पूरे बात को बयां करते हुए इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। हम लोग के घर में आए थे सफाई करवाने के ये बर्तन साफ करने के बहाने, उसके बाद सोना चांदी मांगने लगे, दिए तो फिर लेके भाग गए। मंगलसूत्र और कान का बाजू था, 1 लाख का था। क्या बोला था? कि साफ करते हैं। अच्छा, तो उसे साफ करना दिए थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? वो लेके चले गए। कैसे पकड़े फिर आप? वो हम लोग के मोहल्ला के बगल में ही आए थे तो हम लोग फोटो वायरल कर दिए थे, तो वही लोग पहचान के पकड़ के रखे हुए थे। हम लोग को पहचानने के लिए बुलाए। हाँ। तो हम लोग पहचान लिए। साफ करने के पाउडर बेचते हैं। अच्छा, सोना चांदी वाला पाउडर? जी, साफ करने। क्या बोल के जाते थे आप? पाउडर बेचने के वो काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद बर्तन साफ करने, पूजा पाठ के बर्तन होते हैं, लोटा कढ़ाई, ये सब चीज साफ करने के लिए खूब सब चीज साफ होता है उसमें। लेके चंपत हो जाते हैं, उसके बाद साफ करते हैं सर जी। अच्छा, सोना क्या आरोप लगा सोना चांदी? वो साफ कर बोला, साफ तुम पूरा साफ ही कर दिए तो साफ किए हैं, उसका जो बात नहीं है। क्या क्या साफ किए थे सर जी? चांदी का कुछ किया, अंगूठी चांदी का अंगूठी अंगूठी बिछवा के, अंगूठी बिछिया के, उसके बाद क्या? फिर वो तो उसमें डाले ना वो क्या बोलते लॉकेट को और कान की रिंग को, तो उसमें गल गया वो। गल गया? जी, तेजाब ज्यादा पड़ने के कारण। उस गल गया, उसमें पानी तो उसी टाइम फेंक दिया ना, हम लोग भाग गए। और पकड़ लिया आपको? जी। क्या नाम आपका? अरविंद सा। कब से कर रहे हैं इधर? तो सर वो बाहर करते हैं सर जी, हम गाँव में रहते हैं, हम लोग महाराष्ट्र रहते हैं। हम लोग गाँव तो यही है, लेकिन हम भागलपुर जिला के, लेकिन हम लोग रहते हैं वहाँ महाराष्ट्र में। क्या नाम आपका? अरविंद। वहीं पब्लिक के सहयोग से पुलिस के हत्थे चढ़ा इन दोनों अपराधियों के बारे में नगर थाना के इंस्पेक्टर राघवेंद्र कुमार कहते हैं कि पहले भी इन दोनों के बारे में लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया था और इसकी फोटो सीसीटीवी कैमरे के सहयोग से पुलिस के फाइल में मौजूद थी। आज यह दोनों शख्स एक बार फिर उसी इलाके में उसी तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए गया था, जहां लोगों की सूचना पर पुलिस ने दोनों शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना इंस्पेक्टर लोगों से अपील करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे ठगों से सजग रहने की जरूरत है। सोना चांदी के जेवरात की सफाई अगर जरूरी हो तो किसी अधिकृत ज्वेलरी दुकान से ही करवाएं, नहीं तो इस तरह के सातीर ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
लाल कोठी से दो बाइक सवार को जो है पकड़ा गया है। वो लोगों के घर में जाकर सोना को जो है पानी में गलाकर ठगने का काम करता है। इस तरह की घटना पूर्व में एक हुई थी 10 दिन पहले, उसी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों ने पकड़ा। आज भी ये घर में जाकर उसी तरह से बहला फुसला कर जेवर को झाड़ने के प्रयास में लगे हुए थे। ये पकड़ा गया, लेकिन लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों को भी लोगों के लिए यही मैसेज है कि किसी भी अनजान आदमी से सोना चांदी वगैरह इस तरह से नहीं झरवाने का काम करें। उसके लिए प्रॉपर ज्वेलरी शॉप बना हुआ है, वहीं जाके प्रॉपर। पहले भी लोगों का सीसीटीवी में कुछ फोटो आया था इस तरह का? एक मामला पहले हुई थी जिसके आधार पर कि ये पकड़ाया है दोनों। थैंक यू सर। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।